अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाएंगे आलू कीमा। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। बीफ के कीमे को मैंने 800 ग्राम कीमा लिया, इसको धो के इसका पानी ड्राई कर लिया। इसको बॉईल करने रखूँगी। एक बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक और लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 कप पानी डाल के इसको पैन में डाल के, और इसमें 1 टीस्पून नमक भी जाएगा। अब इसको लिड लगा के रख देते हैं। हमने हाई फ्लेम पे इसको पहले एक बॉईल देना है। कीमे को एक बॉईल आ गया, अब इसका चूल्हा हम बिल्कुल लो कर देंगे, मीडियम लो। मीनवाइल दूसरी जगह हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आलू मैंने 5 से 6 लिए हैं, छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसको रफली चॉप कर लिया है। कश्मीरी मिर्च आएगी इसमें, धनिया जाएगा और हल्दी जाएगी, 1 मीडियम साइज का प्याज जाएगा, धनिया गार्निशिंग के लिए लिया मैंने। ये जनाब हमारा कीमा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट लो फ्लेम पे मैंने पकाया। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक्सेसिव वाटर है, इस वाटर को हम ड्राई कर लेंगे। इसको मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी, सारा पानी खुश्क हो जाएगा। दूसरे पैन में मैंने प्याज डाल दिए हैं 1/2 कप ऑयल के साथ। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे जितने भी मैंने मसाले पहले आपको बताए हैं वो डाल देंगे। इनको फ्राई कर लेते हैं। आपने इनको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर इस तरह से खूबसूरत सा कलर, रेड कलर निकल आए। इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, हार्डली 3 मिनट के लिए, जिसमें टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने इसमें कीमा डाल लिया है, जो कीमा मैं ऑलरेडी सेपरेटली पका चुकी हूँ, बॉईल कर चुकी हूँ। इस कीमे को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई करना है इसके साथ, मसाले के साथ। सारा काम इसमें कीमे में भुनाई का, जितना अच्छा भुनाई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, उतना ही कलर भी प्यारा आएगा और कीमे की जो अपनी एक गोश्त वाली स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जी आप देख रहे हैं खूबसूरत सा कलर निकल आया। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू डाल के इसको अच्छे से चला लें आप। कीमा और आलू को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर इसको फ्राई करते हैं। पेस्ट में 1/2 गिलास पानी डाल दें आप। बस आपने इतना पानी डालना जिसमें आपके आलू जो हैं वो टेंडर हो जाएं। इसको कवर करके रख दें। ये तकरीबन मैंने 10 मिनट बाद खोला है तो आलू बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सिंपल सी रेसिपी को। अब इस पॉइंट पे हमने जो हरी मिर्चें काट के रखी थी वो डाल देंगे और लिड लगा देंगे। थोड़ी देर के लिए स्टोव बिल्कुल ऑफ कर देंगे। लें जी, ये आलू कीमा हमारा रेडी है। जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही इसका जायका भी अच्छा है, खुशबूदार और टेस्टी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। प्लीज़ ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए।